हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय नदी का सफ़र। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में से सही अर्थ ढूंढकर शब्द के सामने लिखें। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सैर करने वाला, झरना, नदी का मुख, घुमावदार, मछली पकड़ने वाले, जहाँ से नदी निकलती है। और नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये उन शब्दों के अर्थ हैं। आपको शब्द के आगे सही अर्थ को लिखना है। पहला उद्गम, उद्गम का अर्थ होता है जहाँ से नदी निकलती है। दूसरा मुहाना, मुहाना का अर्थ होता है नदी का मुख। तीसरा मछुआरे, मछुआरे का अर्थ होता है मछली पकड़ने वाले। चौथा जलप्रपात, जलप्रपात का अर्थ होता है झरना। पांचवा सैलानी, सैलानी का अर्थ होता है सैर करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको इन्हें पूरा करना है। आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे तेज होता है, सहायक नदियाँ कहते हैं, मिट्टी लाती है, कम हो जाता है, मिलती है। तो चलिए अब पंक्तियों को पूरा करते हैं। पहला, कई धाराएं आकर नदी में डैश, तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे मिलती हैं। दूसरा, ढाल अधिक होने के कारण बहाव डैश, तो यहाँ लिखेंगे तेज होता है। तीसरी, छोटी नदियों को मुख्य नदी की डैश, तो यहाँ लिखेंगे सहायक नदियाँ कहते हैं। चौथा, नदी अपने साथ खूब सारी रेत और डैश, तो यहाँ लिखेंगे मिट्टी लाती है। पांचवा, कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही डैश हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पहला, नदी से हमें क्या क्या मिलता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे पानी, जलीय जीव, जलीय पौधे, रेत, मिट्टी आदि। दूसरा, जलप्रपात कैसे बनता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी जब ऊंचाई से गिरती है तब जलप्रपात बनता है। तीसरा प्रश्न, नदी अपने साथ क्या क्या बहा कर लाती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी बहा कर लाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, नदी समुद्र में मिलने से पहले क्या करती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र के किनारे पर छोड़ जाती है। पांचवा, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने विचार लिखिए। तो बच्चों आपकी वर्कशीट में चित्र दिया गया है, चलिए इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें नदी के बारे में लिखा है। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। इसके बारे में भी, नदी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया था कि चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर अपने विचार लिखिए, तो यहाँ नीचे कुछ जगह दी गई है, यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिए गए चित्र को देखने के बाद हमें नदी के शुरू से अंत तक के सफ़र के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि किस प्रकार ऊंचे स्थान या पहाड़ों से नदी का उद्गम होता है और वह किस प्रकार वी आकार की घाटी बनाती है, जलप्रपात बनाती है, उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है, घुमावदार रास्ते बनाती, समुद्र में मिलती है। आप इसके अलावा अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, आपने जो भी नदी देखी है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको
उस नदी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं जो भी आपने देखी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, गंगा नदी हिमालय की गंगोत्री से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा, यह हरिद्वार से ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तीसरा, यमुना, घाघरा, गंडक आदि इसकी सहायक नदियां हैं। चौथा, इसके तटों पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं और कानपुर, पटना, इलाहाबाद आदि बड़े बड़े नगर बसे हैं। पांचवा, गंगा नदी अपने साथ लाल मिट्टी लाकर अपने आसपास की ज़मीन को उपजाऊ बनाती है और सींचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों को दोहराते हैं, होशियार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम में से सबसे चतुर लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं और जो होशियार लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम में से जो सबसे चतुर लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, अर्थात वो गलती बिल्कुल भी नहीं करते, वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। लाल रंग, लाल रंग का कोई भी भोजन जैसे टमाटर, तरबूज, लीची, चेरी, रूह अफजा या कोई अन्य पदार्थ खाएं पिएं। खेल, पोसंपा भाई पोसंपा। गतिविधि, तुम्हारी बेहद याद आती है, विद्यालय पर 5 पंक्तियां लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, राष्ट्रीय गान याद करके गाएं। तो बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर जो गतिविधि की जानी है उसमें आप राष्ट्रीय गान याद करके गाएंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।